या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण सस्तः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज देवी के इस छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना हो रही है। ऋषि कात्यायन ने तप तपस्या करने के उपरांत माता देवी कात्यायनी से ये वरदान मांगा कि आप हमें अपनी पुत्री के रूप में हमारे घर में जन्म लो। माँ कात्यायनी पुत्री के रूप में पिता के कुल की रक्षा करने वाली हैं और उन्होंने माता का अजन्म स्वरूप को त्याग कर उन्होंने पुत्री के रूप में अपने पिता के कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेना स्वीकार किया और अपना अजन्म स्वरूप को त्यागा और कात्यायनी के रूप में विश्वविख्यात हुई। और इसी के पश्चात जो पिता का जो कुल होता है वो उसके साथ जुड़ गया। और सामान्यतः ये होता है कि अपने पति के कुल के साथ पत्नी का कुल जुड़ता है। यहाँ पर अपने पिता के कुल के साथ जुड़ने की वजह से माँ कात्यायनी नाम पड़ा। कात्यायन ऋषि उनके पिता थे, माँ कात्यायनी ऋषि का नाम पड़ा। देवी ने कात्यायन ऋषि की प्रसन्नता के लिए उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी प्रसन्नता के पश्चात और जो साधक होते हैं उनको माँ सरस्वती के रूप में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। साधन और जो साधक होते हैं उनको इस रात्रि जागरण और जप साधन और जितना भी ये जप तप और साधक को जो जागरण करना होता है वो जागरण करने के पश्चात उन्हें अपनी तपस्या का फल को प्राप्त होता है। और इसी के साथ आज हम माता देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ संपन्न करेंगे। धन्यवाद। जय माता की। अभी बुढ़िया ने बुड्ढे को डुबकी लगाई, पहले बुड्ढे ने बुढ़िया को लगाई पकड़ के, बुढ़िया ने बुड्ढे को डुबकी लगाई। अभी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। एक काम कर दो, हाँ। इसको ऐसी पकड़, एक राउंड ऐसी जिंदगी दिखा दो, पब्लिक खाना खा रही है, दिखा दो। जा आगे जा। लो बबियो। हाँ बच्चों आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, आइए आइए। जय हो तुम्हारी, जय हो। चलो जी, चलो जी आओ बच्चों, आओ आइए आइए जी, इधर इधर लो। चलिए जय माता की करो, जय माता की, जय हो तुम्हारी, जय हो भोलेनाथ, जय बम बम भोलेनाथ। चलो जी जय माता की करो, चलो जी प्रसाद भी ले लो थोड़ा सा। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हाँ ले लो ले लो, सब तुम्हारी तो है, ले लो। चलिएगा चलिएगा, मत टेको, चलिए। हाँ दीदी यहाँ मत टेक लो, प्रसाद भी लो, ले लीजिए। जय हो तुम्हारी, जय जयकार हो। आते रहो बच्चों, आते रहो, चलते रहो, आइए 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 आइए। आओ अमर जी, जय हो तुम्हारी, जय जयकार हो। यहाँ मत टेक लो बस, आइए दादा आइए आइए जी। जय हो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, आइए गोपाल की जय हो, लड्डू जय हो, जय हो। आइए बेटा आइए, बेटा बेटा की जय हो, आइए आइए आइए। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश शाबाश। यहाँ करो यहाँ करो, ले बेटा ये लो, हाथ करो,
शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। ये लीजिए, आओ बाहर वाले, अंदर अंदर वाले बाहर। माँ गिरिजा का एक रूप, दुर्गा माता का एक रूप, पार्वती का एक रूप, छठी जो रूप है उसका नाम कात्यायनी माता है, उनके उनकी आराधना की जाती है। आज जो छठा रूप है ये पिता के कुल को रक्षा करने वाला होता है। तो ये जो पुत्री जन्म हुई है ये ऋषि कात्यायन, ये ऋषि के विनम्रता के साथ उन्होंने देवी की आराधना की और प्रार्थना की कि मेरे घर में पुत्री के रूप में आप जन्म लो। तो उनकी विनम्रता और उनकी आराधना को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रसन्न होकर माँ देवी ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो वो कात्यायनी कहलाई, कात्यायनी ऋषि के पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में कात्यायनी देवी। और वैसे तो पत्नी पति के गोत्र के साथ में जुड़ जाती है तो पति के गोत्र का ही उच्चारण होता है। इसमें ऋषि कात्यायन ऋषि के पुत्री होने के कारण इसने पिता के गोत्र की रक्षा की और कात्यायनी कहलाई। और ये इस तिथि को जो जागरण और जप तप करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। माँ सरस्वती का वरदान है, माँ सरस्वती की आराधना होती है। और इसका जो आराधना मंत्र है वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपिण सस्ता नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोल सच्चे दरबार की जय। आपका दिन शुभ हो।